जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और आप देख रहे हैं सुफियान टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों फाइनली पोको M3 Pro 5G आज इंडिया में लॉन्च हो चुका है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको इस स्मार्टफोन के बारे में सब कुछ बताऊंगा, इस स्मार्टफोन के क्या क्या ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस हैं, इस स्मार्टफोन का ऑफिशियल प्राइस क्या है, ये सेल पे कब जा रहा है और सबसे बड़ी बात आपको इस स्मार्टफोन को परचेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कौन कौन से अच्छे ऑल्टरनेटिव देखने को मिल जाते हैं ये भी बताऊंगा मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, कल रात को इन्फिनिक्स नोट 10 और इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो ये दो नए स्मार्टफोन्स इंडिया में लॉन्च हो गए थे और कल रात को ही डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको सब कुछ बता दिया था मैं। आई बटन पे दे रहा हूँ, क्लिक करके देख लो, सब कुछ मालूम चल जाएगा। आई बटन के सारे वीडियोज को चेकआउट करिए, बहुत अच्छे वीडियोज बनाता हूँ, आपको जरूर से पसंद आएंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले डिस्प्ले के बारे में। तो डिस्प्ले वाइज ये स्मार्टफोन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अपने प्राइस रेंज के हिसाब से आपको बहुत अच्छे डिस्प्ले स्पेक्स देता है, काफी अमेजिंग डिस्प्ले है। यहाँ पर आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिल जाता है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, 405 का PPI मिल जाता है, 400 nits का टिपिकल ब्राइटनेस, 500 nits का पीक ब्राइटनेस, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का स्क्रीन प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो आप जब भी गेमिंग करोगे, कंटेंट कंज्यूमिंग करोगे, एक्सपीरियंस काफी स्मूथ होगा, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और स्मार्टफोन को आउटडोर यूज करोगे तो सारे कंटेंट अच्छे से दिखाई देंगे, इवन धूप में भी, क्योंकि बहुत अच्छा ब्राइटनेस लेवल मिल जाता है। और गलती से स्मार्टफोन गिर भी जाता है तो टूटेगा नहीं, क्योंकि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का स्क्रीन प्रोटेक्शन है और 405 का PPI है। तो जितने भी गेम के ग्राफिक्स होंगे, वीडियो की क्वालिटी होगी, सब कुछ अच्छे से दिखाई देगा, क्योंकि पिक्सल पर इंच बहुत ज्यादा है, सब कुछ अच्छे तरीके से दिखाई देगा, काफी क्लियर दिखाई देगा। और दोस्तों बस यही है डिस्प्ले, और क्या हो सकता है यहाँ पर। सेंटर पंच होल डिस्प्ले है, चिन बहुत कम है, फ्लैट डिस्प्ले है, चिन थोड़ा सा आपको दिखाई देगा वैसे, लेकिन बहुत अच्छा डिस्प्ले है। चलिए दोस्तों बात करते हैं कैमरास के बारे में। तो कैमरा वाइज ये स्मार्टफोन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आपको शायद यहाँ पर निराशा थोड़ा सा महसूस होगा, क्योंकि आप दोस्तों जितना पे कर रहे हो उस प्राइस रेंज में आपको 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल रहा है, 48 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी मिल जाता है वाइड एंगल लेंस के साथ, जो पंच होल डिस्प्ले के साथ आता है। तो कैमरा वाइज ये स्मार्टफोन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मेन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, UFS 2.2 का स्टोरेज सपोर्ट मिलता है, LPDDR4X RAM टाइप देखने को मिल जाता है। बैटरी सेक्शन की बात कर ले तो 5000 mAh का बैटरी मिलता है, 18 वॉट के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है, एंड्रॉइड 11 के साथ आता है जो MIUI 12 पे रन करेगा। जी हाँ दोस्तों, MIUI 12 मिलता है, MIUI 12.5 नहीं मिलता है आपको, ये मेरे को अच्छा नहीं लगा, MIUI 12.5 देना चाहिए था यहाँ पर। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पर आपको MediaTek Dimensity 700 मिल जाता है, जो 7 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, माली G57 MC2 का GPU मिल जाता है। परफॉर्मेंस वाइज कोई दिक्कत नहीं होगा, आप मीडियम ग्राफिक्स पे आराम से गेमिंग कर लोगे, हाई ग्राफिक्स पे थोड़ा लैग महसूस होगा, लेकिन आपको उतना दिखाई नहीं देगा, ठीक है, आंख एकदम गढ़ा के देखोगे तो आपको लैग महसूस होगा, ठीक है। और डे टू डे लाइफ में स्मार्टफोन बहुत अच्छा वर्क करेगा, 5G प्रोसेसर है तो फ्यूचर प्रूफ है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छा प्रोसेसर है। चलिए दोस्तों बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में। तो नो डाउट ये स्मार्टफोन देखने में बहुत ही अमेजिंग लगता है, जो पीछे का डिजाइन है अपने प्राइस रेंज के हिसाब से आपको सबसे यूनिक लुक्स और डिजाइन प्रोवाइड कर देता है, देखने में बहुत ही प्रीमियम लगता है। जो कैमरा हाउसिंग है बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत अच्छे अच्छे ग्लॉसी कलर्स में भी अवेलेबल है। आगे से देखोगे तो सेंटर पंच होल डिस्प्ले है, थोड़ा सा चेंज दिखाई देता है, आगे से देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। बिल्ड वाइज देखोगे तो आपको प्लास्टिक बैक मिलता है, प्लास्टिक फ्रेम के साथ आता है, आगे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का स्क्रीन प्रोटेक्शन मिल जाता है। भाई अपने प्राइस रेंज के हिसाब से आपको बहुत अच्छा बिल्ड दे देता है, बिल्ड वाइज कोई दिक्कत नहीं है, डिजाइन वाइज तो प्रीमियम है ही, बिल्ड और डिजाइन वाइज स्मार्टफोन बहुत अच्छा है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मेन मुद्दे के बारे में, प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। तो ये स्मार्टफोन आज इंडिया में लॉन्च हो गया है। प्राइसिंग की बात कर ले तो जो मैं प्राइस बताया था एग्जैक्ट वही सही निकल गया, मैं बताया था ना आपको ये 14,000 रुपए के आसपास लॉन्च होगा, तो वही प्राइस है। 4+64GB आपको 14,000 रुपए का दिखाई देगा, लेकिन अगर अभी फिलहाल पहले सेल में अगर आप जाओगे परचेस करने तो 13,500 का मिल जाएगा, 500 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। और 6+128GB 16,000 रुपए का, लेकिन अभी दोस्तों पहले सेल में जाओगे तो 15,500 का मिल जाएगा। और 14 जून से सुबह 12 बजे फ्लिपकार्ट पे इसका पहला सेल रहेगा, ठीक है, तो तैयार रहना। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं क्या वाकई में हम लोगों को पोको M3 Pro 5G को परचेस करना चाहिए। तो दोस्तों देखो यार, अगर मैं बोलूँ तो मत परचेस करो, क्योंकि दोस्तों आपको Realme 8 5G इससे अच्छे स्पेक्स देता है।
Realme 8 5G में आपको सेम टू सेम यही सेम स्पेक्स देखने को मिलते हैं, लेकिन वहां पर आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी मिल जाता है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा Realme 8 5G के साथ जाओ, वो भी 14,000 रुपए में आपको देखने को मिल जाएगा और बहुत अच्छा स्मार्टफोन है। सेम टू सेम वही स्पेक्स ही देता है, बस 16 मेगापिक्सल का वहां सेल्फी मिलता है। अगर आप दोस्तों इस स्मार्टफोन को भी परचेस करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है यार, अगर आपको सेल्फी से फर्क नहीं पड़ता है तो आप इसके साथ भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा स्मार्टफोन है। देखो यार, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पोको M3 Pro 5G बहुत अच्छा स्मार्टफोन है, लेकिन 14,000 की रेंज में Realme 8 5G अभी किंग है। मतलब कि 5G स्मार्टफोन के नजरिए से देखोगे तो 14,000 की रेंज में Realme 8 5G सबसे बेस्ट है, क्योंकि वहां पर आपको और अच्छे स्पेक्स देखने को मिल जाते हैं। और पोको M3 Pro 5G भी बेस्ट है, लेकिन वो कुछ मामलों में पीछे चला जाता है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और कुछ नहीं। तो दोस्तों, अगर आप 4G स्मार्टफोन परचेस करोगे 14,000 रुपए में, तो Redmi Note 10 सबसे बेस्ट है, उसके साथ जाओ, नहीं तो Realme 8 के साथ जाओ, आपको वो बहुत अच्छे स्पेक्स देते हैं 4G स्मार्टफोन अगर लेना चाहते हो तो। तो दोस्तों, बस यही कंप्लीट पैकेज पोको M3 Pro 5G का। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप मेरे बातों से एग्री करते होगे। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आ गया तो इस वीडियो को तुरंत से लाइक कर दो, एम करते हैं 40 लाइक का, जल्दी से कर दो यार। और चैनल पे नया गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और साइड के बेल आइकन को भी दबा दो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर करो और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आप पोको M3 Pro 5G के साथ जाओगे कि Realme 8 5G के साथ, जल्दी से कमेंट करके बताओ। और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग टेक रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, रात को टेक न्यूज भी देता हूँ। कल रात का टेक न्यूज लाइव हो गया है, आई बटन पे दे दे रहा हूँ, क्लिक करके देख लो, कल बहुत अच्छे अपडेट्स आए थे, जल्दी जाके देखो, अपडेटेड हो जाओ। और मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले और एक नई वीडियो में। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो, चलो बाय।